चलिए इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ी और डिटेल में चर्चा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास एक डाई है जिसपे कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ऐसे करके ये सारे 6 नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं। तो जब हम इसे रोल करेंगे तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है होने की? जब हमने इसे रोल किया तो टॉप सरफेस में या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इन 6 इवेंट में से कोई भी इवेंट हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। और दूसरी बात यह कि इन 6 की इक्वल चांसेस है आने के। ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि 1 के ज्यादा चांसेस आने के बाकी नंबर्स के कंपैरिजन में, या फिर 2 और 3 आएगा ही नहीं, सिर्फ बाकी नंबर्स आएंगे। इन सारे इवेंट्स के होने के चांसेस इक्वली है, और इसीलिए हम इसे बोल लेते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। जब किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बाकी इवेंट्स के बराबर होती है तो हम इसे इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। और अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या होगी, तो वो हो जाएगा इन छह पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी है 1 आना, इन 6 में से एक पॉसिबिलिटी है 1 आना, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6 के बराबर। उसी तरीके से अगर हम ये बोले कि 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इन 6 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी है 2 आना, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6 हो जाएगी। यानी कि इनमें से आप किसी भी एक इवेंट को उठा लीजिए, उसके होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी, जिस वजह से हम इसे कह देंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स। चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए अब मैं आपसे यहाँ ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि जब हमने इसे रोल किया तो हमें एक नंबर मिले टॉप सरफेस पे जो कि लेस देन या इक्वल टू 2 हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी, इस बात के चांसेस कितने होंगे? तो लेस देन और इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि या तो हमें 2 मिल जाए 2 के बराबर, और या तो हमें 1 मिल जाए। इसके नीचे हम जा नहीं सकते क्योंकि इसके नीचे कुछ और वैल्यू हो नहीं सकती। ऐसा नहीं होगा कि हमें कहीं 0 मिल जाएगा या फिर -1 मिल जाएगा। 1 से ही लेके यहाँ सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो 2 के बराबर या उससे कम सिर्फ 2 वैल्यूज है, यानी कि हम चाह रहे हैं इन 2 वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना। अब इन 6 पॉसिबिलिटीज में से, इन 6 की 6 पॉसिबिलिटीज में से इन 2 पॉसिबिलिटीज हमारी फेवरेबल पॉसिबिलिटीज है। हम चाहते हैं कि ये 2 आए, यानी कि 6 में से इन दोनों इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि 2/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी होने की, यानी कि 2/6 ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1/3 के बराबर आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए ये तो था इसका बात। अब अगर हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मान लीजिए गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 3, हम चाहते हैं कि अब जो हम डाई को रोल करें तो जो वैल्यू हमें मिले यहाँ ऊपर वो 3 या उससे ज्यादा हो, यानी कि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि हमारे पास या तो 3 आ जाए, या 4 आ जाए, या 5 आ जाए, या 6 आ जाए, इससे ज्यादा हम ऊपर जा नहीं सकते। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 3, 4, 5, 6 जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, इन 6 पॉसिबिलिटीज में से हम इन 4 पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, यानी कि 4/6 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 के बराबर। अब जैसा कि देख के हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 और 2 तो सिर्फ 2 चीजें हैं इन 6 चीज में से जो कि पॉसिबल है हो जाए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 3 ये 4 पॉसिबिलिटीज है इन 6 में से, तो जाहिर सी बात है कि इसके होने के ज्यादा चांसेस होंगे, जो कि हमें यहाँ पे मैथमेटिकली दिख भी रहा है। 2/3 ये 0.666 है, 1/3 ये 0.3333 है, तो इसको देख के भी हम बोल सकते हैं कि इसके होने के चांसेस कम होंगे इसके रिस्पेक्ट में। इसके होने के चांसेस ज्यादा होंगे यानी कि ज्यादा फेवरेबल होगा, और इसके होने के चांसेस थोड़े कम होंगे क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इससे कम है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर मैं आपसे यहाँ ये पूछूं कि मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भाई 7 तो यहाँ है नहीं, डाई में तो सिर्फ 6 ही तक होते हैं, 1 से लेकर 6 तक 7 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो इसमें से तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो ये हो जाएगी 0/6 यानी कि 0 के बराबर, कभी तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा।
और मान लीजिए फाइनली मैं आपसे अगर ये पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी नंबर बिटवीन 1 to 6, 1 से 6 के बीच में कोई भी नंबर मुझे मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये सारे नंबर्स तो 1 से 6 के ही बीच में है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि मैं जब भी डाई को रोल करूंगा तो मुझे इन 6 नंबर में से ही कोई नंबर मिलेगा, यानी कि आउट ऑफ 6 पॉसिबिलिटीज इन 6 में से मैं चाहता हूँ कि कोई भी हो जाए मेरा काम चल जाएगा, यानी कि 6 अपॉन 6, यानी कि ये तो 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे हमें एक सेंस ये मिला कि जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की वो 0 के बराबर हो सकती है और जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 1 के बराबर हो सकती है। प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट का एक एक्सपेरिमेंट में वो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, इससे न ज्यादा ऊपर जा सकता है और ना ही प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव में जा सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी कुछ -1 या फिर -1/2 होगी, ये हमेशा 0, यहाँ पे तो 0 ही है, और मैक्सिमम 1, इससे ऊपर कभी ये नहीं जा सकती है। लेकिन ये तो हो गई थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात, हमें पता है कि ये 6 फिक्स आउटकम्स हैं और इसके आउटकम्स के बेसिस पे हमने यहाँ पे ये सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। लेकिन मान लीजिए अब प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें, मान लीजिए सनी डे है आज और ये अभी समर का महीना चल रहा है, और अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि कल सन के राइज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि कल सन राइज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनराइज टुमोरो ये कितनी होगी, तो आप क्या बोलिएगा? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये तो रोज हो ही रहा है, समर भी चल रहा है, तो कल भी तो होगा ही, जरूरी होगा, तो इसकी जो होने के चांसेस है वो 1 के बहुत बहुत नजदीक होंगे। एग्जैक्टली 1 हम नहीं ले सकते क्योंकि मान लीजिए अचानक से बारिश हो जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि कल सन ना ही निकले, बादल ज्यादा हो जाए, तो कुछ चांसेस हैं कि सनराइज ना हो। लेकिन चूंकि हम अभी तक देखते आ रहे हैं समर का महीना चल रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है और रोज सनराइज हो ही रहा है, तो कल भी सनराइज तो होगा ही, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं कि ये 1 के बहुत क्लोज होगी, यानी कि 0.9999999999 इसके बराबर होती जाएगी। हम एग्जैक्टली 1 इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा चांस है कि मान लीजिए सनराइज ना हो, बादल वादल छा जाए, तो कुछ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जैसा कि हम देखते आए हैं ये ज्यादा चांसेस है कि सनराइज हो, तो इसके होने की चूंकि ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 के बहुत करीब होगी। और मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे ये बोलूँ, मैं आपसे अगर ऐसा कुछ बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे कि मेरा पेट है जिसका नाम है टॉमी, तो टॉमी एक ग्रेट नॉवल लिखे, टॉमी राइट्स अ ग्रेट नॉवल, ग्रेट नॉवल, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो मेरा पेट है कि वो बहुत अच्छा नॉवल लिखे? तो आप बोलेंगे कि वो पेट है, वो नॉवल कैसे लिख सकता है? तो हाँ बिल्कुल, इसके होने के चांसेस बहुत 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 कम है। सी एक केस में, बहुत छोटे केस में पॉसिबल भी है कि मान लीजिए वो लिख दे, क्या पता उसके पास कुछ सुपरनैचुरल पावर्स आ जाए, कैसे भी करके वो लिख दे, लेकिन ऑब्वियसली इसके चांसेस, इसके होने के चांसेस बहुत 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 कम है। तो इसकी जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 के करीब होगी, यानी कि कुछ 0.00000000000 बहुत 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 सारे 0 के बराबर हो जाएगी। मान लीजिए 0.01, ऐसा कुछ इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0 के बहुत करीब, क्योंकि ऐसा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं मान लीजिए कुछ मिराकल हो जाए और उसने लिख दिया, लेकिन आइडियल केस में वो ऐसा नहीं लिखेगा, इसलिए ये चूंकि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इस चीज का होना, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 के पास हो गई। और पहला केस में जैसा हमने देखा इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके हाई चांसेस होने के, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 1 के करीब हो जाएगी। तो इस वीडियो से हमने ये सीखा कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगी, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। जब किसी भी इवेंट के, जब भी हम यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, अगर उसका ज्यादा चांसेस है होने का, तो उसके प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, 1 के ज्यादा करीब होगी यहाँ पे, यानी कि हाईली लाइकली जब 1 के ज्यादा करीब होगी, और जब 0 के ज्यादा करीब होगी तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, लेस लाइकली होगी।